भाइयों मोहब्बत की नगरी आगरा में अगर आप भी एक बजट हाउस की तलाश में हैं और भाई उसकी कीमत भी इतनी कम होनी चाहिए कि भाई आपका पॉकेट फ्रेंडली हो जाए, उसके लिए आज हम आपके लिए एक बेहद अच्छी लोकेशन पर शमशाबाद रोड पर जयपुरिया में G+2 अपार्टमेंट्स लेके आए हुए हैं। तो यहाँ से हमारे अपार्टमेंट्स की मेन एंट्री स्टार्ट हो जाती है। आप देखकर चल रहे होंगे G+2 अपार्टमेंट हैं और बेहद खूबसूरत बनाए गए हैं। फ्रंट पर आपको बहुत अच्छी चौड़ाई का रोड देखने के लिए मिल जाता है। पार्किंग के संबंध में भी कोई समस्या नहीं आने वाली। इतने सारे व्हीकल्स खड़े होने के बाद भी इतना अच्छा स्पेस बना रहता है। यहाँ से हमारे अपार्टमेंट की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। आप जैसे ही अंदर पहुँचते हैं आपको बेहद बड़े साइज का ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया देखने के लिए मिल जाता है। फ्लैट आपको रॉ कंडीशन में ही मिलने वाला है, मतलब कि आपको जैसा दिखाया जा रहा है सेम इसी तरह का मिलेगा। आप देख सकते हैं यह आपका ड्राइंग एरिया, इस तरफ आपका डाइनिंग एरिया। फ्रंट पर ही आपको बालकनी देखने के लिए मिल जाती है जिसको कि आप अपने ड्राइंग एरिया से बेहद आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बालकनी भी आपको काफ़ी बड़े साइज की देखने के लिए मिल जाती है। हम फिर से आ जाते हैं अपने फ्लैट के अंदर। अब हम आपको यहाँ का फर्स्ट बेडरूम दिखा देते हैं। ये रूम आपका बाहर के पोर्शन में रहने वाला है, साइज में काफ़ी बड़ा बना हुआ है। एयर के और लाइट के क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर विंडो देखने के लिए मिल जाती है और इस रूम के बाहर ही आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है और डाइनिंग एरिया से ही अटैच मिल जाता है आपको अपना किचन। किचन भी आपका काफ़ी बड़े साइज में बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं साइड से ही आपको फ्रिज रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा एल शेप में आपको स्लैब मिल रही है। फ्रंट पर ही आपको विंडो मिल जाती है और वॉशिंग एरिया आपको सेपरेट देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से हम आपको सेकंड बेडरूम दिखा देते हैं। इस रूम को आप चाहें तो एज अ मास्टर बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। इस रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। एयर के और लाइट के क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल ही रही है। वॉशरूम आपको और दिखा देते हैं। यहाँ से निकल के आ गए हम अपने लास्ट बेडरूम को देखने के लिए। ये हमारा थर्ड बेडरूम रहने वाला है, साइज में ये भी काफ़ी बड़ा है और इस बेडरूम से अटैच ही मिल जाता है आपको पीछे का ओपन एरिया। ये भी काफ़ी बड़े साइज में रहने वाला है। इसको आप चाहें तो एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बाहर की ओर और पूरी सोसाइटी का नज़ारा लेकर आते हैं। सोसाइटी आपकी पूरी तरह से ग्रीनरी से भरी हुई है। काफ़ी चौड़े साइज के आपको रोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं और सोसाइटी में ही आपको मार्केट एरिया भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप डेली नीड यूज़ की सारी चीज़ें सोसाइटी में ही परचेज करके चल सकते हैं। एक मंदिर आपको सोसाइटी के जस्ट बाहर देखने के लिए मिल जाता है। ये हमारी सोसाइटी का मेन गेट है जहाँ से कि हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। आप देख कर ही चल रहे होंगे आपको जो एंट्री रोड मिल रहा है वो 80 फीट का मिल रहा है, ग्रीनरी से भरा हुआ मिल रहा है। हमारे जो G+2 अपार्टमेंट हैं वहाँ पर आपको ग्रीनरी से भरा हुआ बड़ा पार्क भी देखने के लिए मिल जाएगा। पार्क भी इतना बड़ा है कि आपके बच्चों को खेलने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बेहद आसानी से वॉक वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा पार्क में आपको बच्चों के लिए झूले तो मिलते ही हैं, बड़ों के लिए आपको ओपन जिम भी देखने के लिए मिल जाती है। सोसाइटी लगभग पूरी तरह से घिरी हुई है, अच्छे मकान बने हुए हैं, चौड़ी सड़कें हैं, अच्छे पार्क्स हैं। आपको यहाँ पर G+2 अपार्टमेंट तो देखने के लिए मिल ही जाते हैं। उसके अलावा अगर आप खुद का इंडिपेंडेंट हाउस बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे साइजेस के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे। अगर हम प्लॉट्स के प्राइस की बात करके चलें तो उसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, वो डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन पर और उसके साइज पर। उसके अलावा ये सोसाइटी का हमारा मेन सर्कल है, पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ मिलता है ये। और अच्छी बात तो ये है कि सर्कल के अंदर ही आपको बेहद बड़े साइज का मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। चलते हैं, सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं। काफ़ी हरा भरा रहने वाला है आपके आसपास का एरिया। आपको सोसाइटी कनेक्टिविटी शमशाबाद रोड से तो मिलती है, उसके अलावा आगरा इनर रिंग रोड से भी आपको इसकी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। हाईवे पर पहुंचकर अगर आप राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो आप शमशाबाद रोड के लिए कनेक्ट हो जाएंगे और अगर आप लेफ्ट के लिए चले जाते हैं तो आप फतेहाबाद रोड के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आपको अपनी सोसाइटी में ही क्रिकेट अकेडमी भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर इस घर के साइज की बात की जाए तो ये आपका 1229 स्क्वायर फीट में काफी बड़ा रहने वाला है आपका घर। उसके अलावा ADA अप्रूव्ड होने के कारण आप बेहद आसानी से 80% तक लोन भी लेके चल सकते हैं। सेल्स टीम के कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर तो दिख ही रहे होंगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी शानदार प्रॉपर्टी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।